नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके इस वीडियो में 16 मई के हिस्ट्री के बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों आज के दिन 16 मई 1606 को रूस में 2000 विदेशी नागरिकों की हत्या हुई थी। दोस्तों आज के दिन 16 मई 1877 को फ्रांस में राजनीतिक संकट शुरू हुआ था। दोस्तों आज के दिन 16 मई 1918 का संविधान अधिनियम US कांग्रेस द्वारा पारित किया गया था। दोस्तों आज के दिन 16 मई 1929 को हॉलीवुड में पहले एकेडमी अवार्ड दिए गए थे। दोस्तों आज के दिन 16 मई 1959 को टाइटन फाउंडेशन का उद्घाटन वेल्टा माल्टा में हुआ था। दोस्तों आज के दिन 16 मई 1960 को भारत और इंग्लैंड के बीच टेलेक्स सेवा की शुरुआत हुई थी। दोस्तों आज के दिन 16 मई 1974 को जोसिफ ब्रोज टाइटो यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति चुने गए थे। दोस्तों आज के दिन 16 मई 1975 को सिक्किम देश का 22वां राज्य बना था। दोस्तों आज के दिन 16 मई 1999 को दक्षेस का 2002 ईस्वी में होने वाला शिखर सम्मेलन थम्पू में कराए जाने की घोषणा की गई थी। दोस्तों आज के दिन 16 मई 2006 को न्यूजीलैंड के 47 वर्षीय मार्क इंजेल्स ऐसे पर्वतारोही बन गए जिन्होंने कृत्रिम पैरों के सहारे एवरेस्ट की चोटी पर झंडा फहराया था। दोस्तों आज के दिन 16 मई 1983 को सूडान पीपुल लिबरेशन आर्मी ने सूडानी सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था। दोस्तों आज के दिन 16 मई 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 10वें प्रधानमंत्री बने थे। दोस्तों आज के दिन 16 मई 2003 को मोरक्को में आतंकवादी हमले में 33 नागरिक मारे गए और 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। दोस्तों आज के दिन 16 मई 2004 को रोजर फेडरर ने हैम्बर्ग मास्टर्स खिताब जीता था। दोस्तों आज के दिन 16 मई 2013 को अमेरिकी वैज्ञानिकों को पहली बार क्लोन किए गए इंसानी भ्रूण से मूल कोशिका निकालने में सफलता मिली थी। दोस्तों आज के दिन 16 मई 2014 को टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंधक निर्देशक रुस्तम जी मोदी का निधन हुआ था। दोस्तों आज के दिन 16 मई 2014 को नैरोबी में एक धमाके में करीब 12 लोगों की मौत हो गई थी। दोस्तों आज के दिन 16 मई 2008 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भूटान की 2 दिवसीय यात्रा पर थिम्पू पहुंचे थे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।